हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आपको इंडिजाइन के बारे में बता रहा था, उसी में आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। इंडिजाइन हम किसी भी चीज़ शेप हो या टेक्स्ट हो, किसी को हम क्या कर सकते हैं, इम्बोस कैसे कर सकते हैं, यानी कि बेवल कैसे कर सकते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के बेवल हो, इम्बोस होते हैं, उस कैसे कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप से करके लाते हैं। लेकिन मान लो आपके पास फोटोशॉप नहीं है और चाहते उस चीज़ को हम क्या करें, यहीं पर कंट्रोल कर लें, इंडिजाइन में ही कंट्रोल कर लें, तो कैसे करेंगे हम बेवल इम्बोस कैसे करेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको मैं एक शेप के ऊपर बताता हूँ, फिर आपको टेक्स्ट के ऊपर बताऊंगा। यहाँ से मान लो कोई भी मैंने एलिक्स ले लिया। ठीक है, एलिक्स लेकर लेने के अंदर इसमें मैंने क्या कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, इसमें आउटलाइन क्या करता हूँ, नन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया। मान लो मैं येलो का थोड़ा डार्क शेड ले लेता हूँ यहाँ चेंज करके। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मान लो इसे मैं एम्बोस करना है, एम्बोस करना मतलब क्या, वो उभरा हुआ दिखे, 3D लुक दिखे। कैसे दिखेगा, आपको करना है शेप ले लिया, कलर फिल कर लिया, जो करना कर लिया, उसके इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये एफएक्स, ये देख रहे हैं आप, एफएक्स दिख रहा है। मतलब यहाँ पर करने के बाद आपको क्या है, बेवल एंड इम्बोस दिखेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट होती है वो आपको इम्बोसिंग यहाँ पे दिख जाएगी। आप इस चीज़ को देखिए, मैं साइड में दिख करके दिखाता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको शेप को मैं साइड में ले लेता हूँ, जिससे आपको ये साथ साथ दिखे। इस पर क्लिक किया, एफएक्स पे गए, बेवल एम्बोस पे गए, और देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आपकी एज देखिए आपकी उठी हुई दिख रही है। देख रहे हैं एज, एक बटन टाइप की 3D दिख रही है। अब इसकी कुछ सेटिंग होती है, इस सेटिंग होती है यहाँ की राइट साइड में, इसकी काफ़ी सारी सेटिंग होती है, आपको जो गौर से समझना होगा। जब तक वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, इस चीज़ को आप क्या डीपली समझ नहीं पाएंगे। आप इस चीज़ को आपको सीखना था, वीडियो के लास्ट तक रुकिए और आराम से सीखिए क्या होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर में पहला क्या आता है, स्टाइल। अब यह स्टाइल जो यहाँ पर जो बेवल है इम्बोस होता है, आपको देखिए चार दिया हुआ है। पहला क्या, आउटर बाहर की तरफ इम्बोस होगा, नेक्स्ट आप इनर अंदर की तरफ होगा, मतलब जो पहला आउटर था ये बाहर की तरफ होगा, दूसरा इनर अंदर की तरफ। देखिए हमारे शेप के अंदर की तरफ इम्बोस हो रहा है, देखिए नेक्स्ट है इम्बोस और नेक्स्ट है पिलो इम्बोस, एक एक करके आपको चारों बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपका क्या, इनर इम्बोस, या ठीक है आप मैं चलता हूँ पहले आउटर इम्बोस। आप देखिए आउटर इम्बोस क्या है, इस तरह से होती है, जो कि आपकी एक क्या है, शैडो का लुक देगा, एक तरह से शैडो होगा। जनरली हम क्या करते हैं, आउटर बेवल को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम कहाँ से करते हैं, हम इनर बेवल, इनर बेवल के आपको पूरा पूरा लुक देगा 3D की तरह। तो हमने यहाँ स्टाइल चूज कर इनर बेवल। अब आता है नेक्स्ट इसका साइज, आपको कितना बड़ा रखना है, इसका इम्बोस जो अंदर की तरफ जा रहा है ये डेप्थ कितना रखना है। तो यहाँ से आप साइज जितना बढ़ाते जाएंगे, आप देखिए इम्बोस के आपके अंदर की तरफ जाते रहेगा, आपको यह 3D लुक देगा। यहाँ पर आप देखिए जितना जाएंगे ये अंदर की तरफ आपका ये जाते जाएगा। तो आपको इसको देखना, आपको कितना रखना है आप पे डिपेंड है, आपको कितना रखना है, इतना रख लिया मैंने। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ टेक्निक, टेक्निक में आपको देखिए आपको तीन मिलेगी। पहला स्मूथ, स्मूथ क्या है, एज के साथ मर्ज होगा स्मूथ होगा। नेक्स्ट आपको चिसल हार्ड, चिसल हार्ड देखिए इस तरह से आपकी हार्ड आएगी, एज देख रहे हैं इस तरह से आपकी हार्ड आएगी। और नेक्स्ट आपकी आती है चिसल सॉफ्ट, ये आप देखिए इस तरह से आएगी। तो आपको किस तरह का यूज़ करना है, बहुत लोग मतलब कैप बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, तो आपको यूज़ की जो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चूज़ करना है आपको क्या रखना है। आप सॉफ्ट चाहिए तो ये रखिए, तो पूरा पूरा सॉफ्ट बटन की तरह आएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए चिसल हार्ड चाहिए तो इस तरह से आएगा, और जो नेक्स्ट आपका चिसल सॉफ्ट इस तरह से आएगा। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कब किसकी रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार आप रख सकते हैं। अभी मैं चलिए इसको स्मूथ रखता हूँ, जो सॉफ्ट दिख रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका डायरेक्शन, जो यहाँ पे डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है, आप ऊपर की तरफ, अगर हम डाउन करते हैं देखिए इस तरह से आ जाएगी नीचे की तरफ, मतलब अप में क्या हुआ नीचे से ऊपर की तरफ गया, और डाउन में क्या हो गया ऊपर से नीचे की तरफ आया। देखिए डेप्थ जो है ये इसकी डेप्थ, जैसे मैंने यहाँ डाउन किया कि ऊपर से नीचे तरफ आया, जिसको हम यहाँ से अप करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप सेलेक्ट कीजिए। अब ये सॉफ्टन, जो सॉफ्टन ये एज है, अभी मैंने इसको 0 रखा है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे देखिए ये जो एज जहाँ पे आपका था एज, देखिए आपको पूरी सॉफ्ट होते जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं सॉफ्ट को कम से कम रखते हैं। 0 में क्या है पूरी एज दिखेगी आपको, जब उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं पूरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब आता है डेप्थ, जो इसकी बात किया डेप्थ की बात, अभी मैंने इसको 100 रखा हुआ है। अब डेप्थ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एम्बोस भी है डेप्थ को जैसे हम कम करते जाएंगे ये कम होते जाएंगे, 100 रखेंगे तो ये डेप्थ आपकी फुल होगी। इस चीज़ को आप यहाँ समझ गए होंगे, बस आपको साइज बढ़ाना है तो यहाँ जितना बढ़ाना आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप क्या करें डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कैसा करें, आप इस पर कंट्रोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंगल। अब जो एंगल है यहाँ 100 बाई डिफॉल्ट 120 पर, अब इसको घुमाएंगे आपकी एंगल जो यह वाली एम्बोस वाली एंगल थी आपकी इनर बेवल वाली, ये आपकी यहाँ से आप चेंज करेंगे, आपको जैसे रिक्वायरमेंट यहाँ से आप चेंज कीजिए, या फिर यहाँ से टाइप करके चेंज कीजिए, एक ही बात है। आपको लग रहा है जिस तरफ आपको बेवल रखना उस तरह से आप यहाँ से आप रख सकते हैं। अब है आपके एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ एंगल, ये देखिए ये वाली चीज़ आपको जितना बढ़ाना है, मान लो इसको मैंने किया 90, तो एल्टीट्यूड आपकी इस तरह से घूमेगी। इस चीज़ को आपको क्या प्रैक्टिस करके आपको देखना होगा। ठीक है, तो अभी मान लो इसको मैं कर देता हूँ 10, तो इस तरह से आपकी हो गई।
अब यहाँ पे कुछ यूज ग्लोबल लाइट, अगर इस पर क्लिक करेंगे ग्लोबल लाइट का रिकॉर्डिंग आपको इस तरह से होगी। आप इसको आप क्या कर यूज कर ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। अब यहाँ नेक्स्ट आपका हाईलाइट। अब हाईलाइट एरिया दो चीज़ें आपकी, एक दो इसमें क्या दो एरिया, एक हाईलाइट जो आपकी एरिया चमक रहा है ठीक है, एक है शेडो एरिया जो डार्क एरिया है। देख रहे हैं आप जो चमक रहा है आपको कौन सा एरिया, ये वाला हाईलाइट एरिया, और जो डार्क एरिया वो आपको क्या शेडो एरिया है। अब दोनों का मोड, अब जो ये मोड है यहाँ पे काफ़ी सारे मोड होते हैं नॉर्मल में, जो नॉर्मल क्या बाय डिफॉल्ट होते हैं, बाकी इसमें अलग अलग मोड होता है मल्टीप्लाई स्क्रीन ओवरले सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट जो यहाँ तो दे रखा है, इसको मोड चेंज कर करके आप देख सकते हो उससे थोड़ी इसकी क्या अलग अलग आ सकती है। अब इसकी जैसे मैं अभी क्या स्क्रीन है मैं नॉर्मल करूँगा जिसकी कुछ अलग हो सकती है, तो आप इसमें क्या करें इसको आप रखें आपको जो ठीक लगे रखें आप, मतलब ओवरले तो ओवरले रख लें जो भी है, और शेडो वाला पार्ट जो डार्क एरिया उसको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी क्या किया इसको कलर किया तो एरिया देखिए इस तरह से हो गया, ल्यूमिसिटी किया इस तरह से हो गया, डार्केन में आपका इस तरह से हो गया, तो इस चीज़ को आप यहाँ से चेंज करके आप देख सकते हैं। और दोनों का जो इसका हाईलाइट एरिया का और शेडो एरिया के यहाँ ऑपोसिटी दे रखा है, पर हाईलाइट एरिया का ऑपोसिटी क्या 75 और बढ़ाना है तो 100 किया, जितना इसको कम करते जाएंगे ये देखिए इस तरह से आपका होते जाएगा। ये देखिए हाईलाइट एरिया इस चीज़ को गौर से देखिए जितना कम कर रहे हैं ये डेप्थ खत्म होते जा रही है, और फुल कर देंगे डेप्थ थोड़ी आ जाएगी। वही एरिया आप सेम चीज़ का शेडो के साथ जो एरिया है इसकी जो ऑपोसिटी है अभी 100 करेंगे तो और डार्क हो जाएगी, और कम करते जाएंगे थोड़ी आपकी लाइट होती जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है जो एम्बोसिंग या जो आपका इनर बेवेल है सब कुछ आपका किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, हाईलाइट और शेडो एरिया के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से आपका इनर बेवेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अब चलते हैं नेक्स्ट बेवेल एम्बोस में। क्या आपको मैंने अभी क्या इनर बेवेल बता दी, अब चलते हैं एम्बोस की तरफ। यह है एम्बोस, एम्बोस आपका क्या होता है चारों तरफ से होता है ठीक है। एम्बोस में आपकी क्या सारी सेटिंग ऑलमोस्ट वही होती है, बस यहाँ देखिए जैसे जैसे आपको बताया यहाँ पे साइज आप साइज बढ़ा सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह साइज बढ़ा सकते हैं आप, उसका डेप्थ आपको डेप्थ कितना रखता है यहाँ से आप डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह देख सकते कर सकते हैं आप। टेक्निक्स यहाँ पर टेक्निक जैसे तीन है स्मूथ क्रिस हार्ड क्रिस सॉफ्ट, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं आपको कौन सी ज़रूरत है यहाँ पर, तो हमें अभी स्मूथ ही रखना हो। डायरेक्शन आपको क्या डाउन रखना है ऊपर से नीचे या ऊपर नीचे से ऊपर, यहाँ से आप कर सकते हैं ईजिली आप कर सकते हैं। एंगल आपको एंगल यहाँ जो एंगल दे रहा है डेप्थ का वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपको जिस तरफ एंगल रखना है आपकी मर्जी आप जिधर रखना चाहते रख सकते हैं। एल्टीट्यूड आपको 25 डिग्री है इसको आप कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ये एल्टीट्यूड जैसे कम करेंगे इस तरह से आपकी देखिए ये होते चले जाएगी, और जिस इसको बढ़ाते जाएंगे आपकी देखिए अंदर की तरफ आते जाएगी, और जैसे आपको पता यूज ग्लोबल लाइट यूज़ करेंगे इसमें थोड़ी डेप्थ आ जाती अच्छी आ जाती, इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी हाईलाइट और शेडो एरिया जैसे आपको बताया था इससे आप जो आपकी लाइट वाले एरिया आपकी हाईलाइट होगी और शेडो एरिया डार्क एरिया होगी, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको चेंज करके, और ऑपोसिटी को कम ज़्यादा करके इसको आप कर सकते हैं इजिली। इस तरह से आपका किसी भी शेप को आप क्या है इम्बोस कर सकते हैं इनर बेवल कर सकते हैं। अब आते हैं हम पिलो इम्बोस के ऊपर ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब इसे दोबारा क्लिक किया और यहाँ बेवल इम्बोस पाने के बाद किस में आते हैं पिलो इम्बोस। अब देखिए पिलो एम्बोस में क्या होता है अंदर की तरफ हम होता है कि हम जैसे मान लो पिलो पे सोते हैं अपना सर रखते तो क्या होता है पिलो अंदर की तरफ घुस जाता है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे पिलो एम्बोस के थ्रू आप कर सकते हैं इसको। इस चीज़ को बस आपको सेम वही चीज़ आपको क्या यहाँ पे कंट्रोल करके आपको देखना होगा, ये देखिए आप इसको क्या करना है आपको बढ़ाना, पहले साइज बढ़ाइए आप जितना साइज बढ़ा सकते हैं आप उसको एडजस्ट करना होगा इसके थ्रू आपको। उसके बाद सॉफ्टन, ये जो सॉफ्टन है आप इसको क्या है जितना कम यहाँ बढ़ाएंगे तो आपको जो डार्क शेडो वाला एरिया आपका क्या लाइट होते जाएगा। अब जो यहाँ पर डेप्थ था इसको डेप्थ को आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं आप, यहाँ देख साइज को बढ़ा रहा हूँ मैं सॉफ्टन को कम कर रहा हूँ मैं, यहाँ डायरेक्शन है इसको मैंने क्या किया यहाँ से डाउन कर दिया ठीक है, ये एरिया देखिए ऊपर चला गया। उसके बाद एंगल आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप जो भी एडजस्ट करना है यहाँ से आप करके कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से क्या पिलो एम्बोस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन डिजाइन में क्या दो चीज़ जो आपको बताया इनर बेवल ये वाला और दूसरा एम्बोस, ये दोनों चीज़ें आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो काम करती है। बाकी आपको ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आपका ये पिलो एम्बोस, इसके लिए क्या फोटोशॉप इसके लिए ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ जो आप जो जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको बेवल एम्बोस में नॉर्मल चीज़ को करने के लिए तो यहाँ से काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब आपको हाई एंड आपको क्या एम्बोसिंग पिलो एम्बोस इनर बेवल ये सब करना है तो उसके लिए आपको क्या फोटोशॉप ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर नॉर्मल चीज़ करना उसके लिए बेटर है। मैं आगे चलते जब फोटोशॉप स्टार्ट करूँगा तो आपको वहाँ पर बताऊँगा बेवल एम्बोस इनर आपका जो होता है पिलो एम्बोस ये सब कैसे करते हैं, नॉर्मल काम के लिए यहाँ बता रहा हूँ। चलिए ये तो आपको क्या है शेप के साथ बता दिया, अब चलिए मैं आपको टेक्स्ट के साथ बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या किया एक टेक्स्ट लेता हूँ वहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया राज, और मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने चलो स्विस का हैवी ले लिया और इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 100 या 120 कर देता हूँ जो आपको थोड़ा बड़ा दिख जाए ठीक है। करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ
और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा डार्क ब्लू ले लेता हूँ, 120 ले लिया, ठीक है। अब मैं चलो इसमें क्या करता हूँ, एम्बोसिंग अप्लाई करता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और जो आपको क्लियर दिखे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, सेम वही प्रोसेस एफएक्स में जाएंगे, बेवल एम्बोस में जाएंगे। अब इस चीज़ में देखो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें अभी मैं एम्बोस लेके बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एम्बोस लिया है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ कम करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इसको क्रिस हार्ड कर दिया, ये आपकी डेप्थ यहाँ से बढ़ा देगा। और डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है, आपको डाउन जो भी करना है यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंगल, आपको एंगल जो भी चाहिए यहाँ से आप एंगल चेंज कर लिए, आपको जिधर भी लग रहा है एंगल हमें ठीक करना है कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो भी एरिया आपका हाईलाइट या शेडो वाला पार्ट, उसको आपको यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे हमारा शेडो वाला पार्ट का था, पीछे वाला एरिया डार्क दिख रहा है, आप उसको जिस तरह से एडजस्ट यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ हाईलाइट वाला एरिया है तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट आपको जो भी लगता है आप कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। इस तरह से आप यहाँ इजीली आप टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चलिए यहाँ पे क्या है आपको दूसरा है, यह क्या आपका इनर बेवल, आप इनर बेवल यूज़ करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से आपकी टेक्स्ट में देखता आएगी यहाँ पर। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर को जीरो रखा है, साइज़ को आप जितना बढ़ाते जाएंगे इसकी देखिए यहाँ पे बेवल आपकी बढ़ते जाएगी, डेप्थ बढ़ते जाएगी यहाँ पे। ये देखिए आपको जितना मैक्सिमम लिमिट होगा वहाँ तक इसको क्या है 3D लुक आपको देने का कोशिश करेगा। अब देखिए इस वो मैं ओके कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखिए आपको क्या है यहाँ पे इसने क्या किया है, एक इम्बोसिंग वाली लुक दे दी यहाँ पे, देखिए कैसा 3D टाइप का दिख रहा है, दे दी है। लेकिन इस चीज़ को आप जब कंपेयर करेंगे फोटोशॉप से तो उतनी आपकी यहाँ पर दोनों चीज़ कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब इफेक्ट जो है आपको क्या है मेनली आपको फोटोशॉप में ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन काम चलाने के लिए आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम इनडिजाइन में क्या है बेवल एम्बोस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको नॉर्मल करना है तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट में किसी शेप में इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको बताया मैंने, आप मान लो आपने क्या किया यहाँ पर, जैसे आप सर्कल बताया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया, इसके अंदर मैं मान लो कोई भी कलर फिल कर रहा हूँ, मान लो हमने कर दिया येलो कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, चलो 30%। अब चलिए इसमें मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इम्बोस करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। देख अब यहाँ पे गए बेवल इम्बोस में गए और यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ इम्बोस कर दे रहा हूँ, ठीक, और इसको मैं साइज़ को थोड़ी सी कम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, शेडो वाले पार्ट को जो पीछे का डार्कनेस दिख रहा है इसको मैं थोड़ी सी लाइट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी आपको क्या है इम्बोस टाइप की दिख रही है। आपको मान लो कि क्या है कुछ भी करना है आपको यहाँ पर, तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्या है दिखा सकते हैं इसको इम्बो एज ए इम्बोस टाइप का आप इजीली दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इजीली आप इसको क्या है यहाँ पे जो भी था इजीली आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, आपको जो भी था इजीली यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इसको। बस आपको करना क्या है यहाँ पर, इसको क्लिक रखना है और आपको एफेक्ट्स में जाना है, बेवल इम्बोस में जाना है, आपको यहाँ जो भी करना है, मान लो आपको क्या करना है इनर बेवल भी करना है, तो आपको देखिए इनर बेवल की आपको यहाँ पर जो भी चाहिए, आपको साइज को क्या कम ज़्यादा करना है, जो भी करना है यहाँ से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ जितना साइज को कम ज़्यादा किए हमने, अब यहाँ पे जो टेक्निक था इसको हमने क्रिस हार्ड किया, ठीक है, आपकी यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है हार्ड हो गई है, यहाँ क्रिस सॉफ्ट किया सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ रखा स्मूथ हो जाएगा, आपको जैसा भी चाहिए यहाँ से आप क्या चेंज करके आप इजीली इसको आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं आप। बस आपको कि यहाँ जो हमने सेटिंग बताया उस सेटिंग को आपको R&D करके आपको देखना होगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास, हम इंडिजाइन में इजीली हम किसी भी शेप को टेक्स्ट को बेवल इम्बोस हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।